हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राहुल टेक ऑनलाइन। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे रेसिडेंटल यानी आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनाए, जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो घर बैठे कैसे बनाए। चलिए, हमारे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए। चलिए, हम आपको बिल्कुल आसानी तरीके से रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनाने का तरीका बतलाएंगे। सिर्फ आप मेरे वीडियो बने रहे और साथ ही बना के भी दिखाएंगे। इस प्रकार से सिंपली आपको गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है, इसमें सर्च कर देना है RTPS। चलिए, इसको सिंपली सर्च कर देते हैं। सर्च करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउजर खुद ओपन हो जाएगा, service+gov.in/RTPS1। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही थोड़ा सा वेट कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ से मेरा होम पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से नीचे आ जाए। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन विभाग, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए, इस पर क्लिक करेगा, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपके ऑप्शन सामने खुल के आता होगा, आवासीय प्रमाण पत्र हेतु निवेदन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से तीन ऑप्शन खुल के आता है, अंचल स्तर यानी ब्लॉक लेवल से आपको बनाना है तो सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए, ब्लॉक इस पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा लोडिंग होगा। इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं फॉर्म संख्या 12 यानी 12 नंबर का फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा, निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन। ये फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलिए, कैसे फिलअप करना है, सिर्फ आप मेरे वीडियो बने रहे। सबसे पहले यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ से अभिवादन लगा देना। चलिए, हम अभिवादन लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे मेरा राहुल कुमार लिख देंगे। यहाँ पे हिंदी में लिख देना है राहुल कुमार। उसके बाद फादर्स नेम, फिर से हिंदी में फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर से हिंदी मदर्स नेम, हस्बैंड नेम देना है। उसके बाद हिंदी में हस्बैंड नेम देना है, सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। चलिए, मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद ईमेल डाल देंगे, उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, अनुमंडल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, और फिर से हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत वाले पर सेलेक्ट करेंगे या नगर परिषद, जिस जिसा भी आपका सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना वार्ड नंबर यहाँ से लिख लेंगे, जैसे मेरा 15, सिंपली हम 15 लिख लेंगे। अपना ग्राम यानी अपना विलेज नाम लिख देना पूरा फुल। उसको अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ से सेलेक्ट करना है यानी डाकघर। उसके बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है, उसका पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। चलिए, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे अपना एक फोटो सेलेक्ट करके डाल देना है। चलिए, फोटो डाल, उसके बाद आधार नंबर आपको नहीं देना, आधार कार्ड का आपको फोटो बाद में हम अपलोड कर देंगे, उससे बन जाएगा। चलिए, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आप उस स्थान पर, क्या निवासी है या अस्थायी है, कैसा भी है, जैसे आपका अस्थायी आपका परमानेंट एड्रेस वही है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए, हो जाने के बाद उसके बाद उद्देश्य पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पर्पज ऑफ द एप्लीकेशन। सिंपली आपको कोई सा भी दे रहा है, स्कूल कॉलेज जिससे भी है, सिंपली उसके बाद टिक मार्क करना है आपको यहाँ पे आई एग्री पे। चलिए, हो जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ से उसका कैप्चा फिलअप करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद सिंपली आपको प्रोसेस वाले पे क्लिक करना है। चलिए, प्रोसेस वाले पे क्लिक करके आगे प्रोसेस दिखाते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ से सेकेंड पेज पे आप यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आप पूरा डिटेल्स अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। मिला लेने के बाद अगर आपका कहीं डिटेल्स गलत है तो सिंपली एडिट वाले पे क्लिक करिएगा। अगर पूरा ओके है तो आपको इस पे क्लिक करना है, अटैच डॉक्यूमेंट पर। चलिए, इस पे हम क्लिक करेंगे। चलिए, अटैच डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने। यहाँ से आप देख सकते हैं निर्वाचन प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बहुत सारे आप दे सकते हैं। सिंपली आप आधार कार्ड वाले पर क्लिक करेंगे, उसके बाद चूज फाइल पर जाएंगे। उसके बाद फाइल में जाएंगे जहाँ मेरा फोटो रखा हुआ, वहाँ से हम अपना फोटो सिंपली अपलोड कर देंगे। चलिए, यहाँ से हम अपना फोटो अपलोड कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली सेव एंड स्टोर वाले पर क्लिक करेंगे। चलिए, अपलोड हो जाने के बाद फिर से यहाँ से आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं या मिला सकते हैं। सिंपली आपको आधार कार्ड वाले पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड का जो फोटो अपलोड किए वो अच्छा है कि नहीं चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको लास्ट में पूरा सबमिट करना है। चलिए, सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे।
यहाँ से देख सकते हैं फाइनल नॉलेजमेंट नंबर यहाँ से मेरा जनरेट हो जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से ये आवेदन ऑनलाइन सक्सेसफुली हो गया। लोक सेवा के अधिकार यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन के प्रकार, ऑनलाइन आवेदन का तिथि 31/12/2022, सारा कुछ फिलअप हो जाने के बाद पूरा देख सकते हैं यहाँ से एप्लीकेशन नंबर यहाँ से मेरा जनरेट हो गया। यहाँ पे पूरा नाम दे देगा, पूरा नाम फोटो वोटो सारा कुछ आ जाएगा। ये 10 दिन का कार्य दिवस लेता है। चलिए नीचे आ जाने के बाद यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर पर मैसेज चला जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।